विक्रम, मजे ले जाने की जिद छोड़ दे। अरे तू तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये लंबा सफर कटेगा कैसे? चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के अंत में मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब तुम्हें बड़े सोच समझ कर देना है, और कहानी सुनाते वक्त टोकना मत, और ना ही किसी तरह की आवाज करना, नहीं तो मैं जाकर वापस उसी पेड़ से लटक जाऊंगा। तो सुन विक्रम, कहानी एक रहस्यमयी घर की। किसी भालापुर नाम के राज्य में एक रहस्यमयी घर था, जहाँ कुछ वर्षों पहले एक परिवार रहा करता था। लेकिन एक दिन वह परिवार रातों रात गायब हो जाता है। वहाँ के रहने वाले लोग डर के साए में रहा करते थे। उन्हें लगता था उस घर में भूतों का निवास है। शाम होते ही लोग उस घर के आसपास से भी नहीं गुजरा करते थे। एक दिन तूफान आया हुआ था। बारिश से बचने के लिए कोई आदमी उस घर में एक रात बिताता है। अगले ही दिन वह आदमी बिच्छू के काटने से मर जाता है। वहाँ रहने वाले लोगों में खौफ और ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ महीनों बाद एक स्वामी जी उसी घर में साफ सफाई करके रहने लगते हैं और वहाँ के लोगों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने लगते हैं। सब कुछ ठीक चलने के बाद एक दिन जब स्वामी जी उस घर में ध्यान कर रहे होते हैं, उसी नगर में रहने वाला घनश्याम यह सोचता रहता है कि स्वामी जी भूतों के साथ कैसे रह लेते हैं, जिसके लिए वह उस घर में स्वामी जी से एक सवाल पूछने जाता है। स्वामी जी प्रणाम। क्या हुआ बालक? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कैसा सवाल? स्वामी जी, क्या आप इस घर में अकेले हैं? स्वामी जी का जवाब सुनकर घनश्याम का पूरा शरीर डर के कारण कांप जाता है। वे कहते हैं, नहीं बालक, मैं इस घर में अकेला नहीं हूँ। यह सुनकर घनश्याम उस घर से तुरंत भाग खड़ा होता है। तो बता विक्रम, क्या सच में उस घर में भूतों का साया था, जिनके साथ वे स्वामी जी रहा करते थे? तो सुन बेताल, वर्षों पहले एक परिवार उस घर में रहता था। किसी कारण से वह परिवार रातों रात दूसरे नगर चला गया और अफवाह फैल गई कि वे सभी उस घर से गायब हो गए। समय बीतने पर एक आदमी तूफान से बचने के लिए उस घर में एक रात बिताने आया। ज्यादा समय से न रहने की वजह से उस घर में बिच्छुओं का निवास हो गया और बिच्छू के काटने से वह आदमी मारा जाता है। रहा सवाल घनश्याम के पूछने पर, उस स्वामी ने ऐसा क्यों बोला कि वे उस घर में अकेले नहीं हैं? क्योंकि उस घर में घनश्याम के आ जाने पर स्वामी जी अब अकेले नहीं थे, क्योंकि घनश्याम ने स्वामी जी से यह नहीं पूछा कि क्या आप इस घर में अकेले रहते हैं। अकेले हैं और अकेले रहते हैं मैं, जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए उस घर में भूतों का कोई साया नहीं था, वह केवल भ्रम था। सही जवाब विक्रम, लेकिन तू बोला मैं चला।